मैंने ये महसूस किया है कि वो पगड़ी कितनी महत्वपूर्ण रही होगी, वो पगड़ी कितनी महत्वपूर्ण रही होगी जो दिल्ली दरबार में नहीं झुकी। दो लाइनें मैंने लिखी, हो सकता है मैंने गुस्ताखी की हो, लेकिन एक भाग लिखा मैंने, दो पंक्तियां सोचता हूं और फिर मैं महाराणा प्रताप का गीत सोचता हूं। हे कि जद सारा रजवाड़ा रे रण जा दिल्ली की पगथरिया रे, जद सारा रजवाड़ा रण जा दिल्ली री पगथरिया रे, पण वीर प्रताप झुकिया नहीं तिल भर रण में अड़िया रे, हल्दी घाटी में हारे हल्दी घाटी में, रण बंका प्रलय मचायो भारी रे, हल्दी घाटी में हारे हल्दी घाटी में, मान सिंह अकबर को भेजो उदयपुर में आयो रे, मान सिंह अकबर को भेजो उदयपुर में आयो रे, और दिल्ली को दरबारी राणा ने नहीं भायो रे, के कायर मान घणो हारे कायर मान घणो, दिल्ली जा पाछो सेना लायो रे, कायर मान घणो। गीत तो बहुत बड़ा है लेकिन प्रभुलाल जी को समर्पित करता हूँ दो पंक्तियाँ। हे सरर सरर सर तीर चल्यार मुगला पर भीलू राणा का, सरर सरर सर तीर चल्या मुगला पे भीलू राणा का, अरे सोए सक्या नहीं मुगल चैन सो रेण धारा में, हल्दी घाटी में, तालियां ताल बजाओगे नहीं मुझे पता है, तिहारे हल्दी घाटी में रण बंका प्रलय मचायो भारी रे, हल्दी घाटी में, अरे कभी राणा से जाला मन्ना नीड़ो आयो रे, अरे कभी राणा से जाला मन्ना रे नीड़ो आयो रे, अरे मेवाड़ी छतर दो राणा तेल लड़ू लारे, हड़दी काटी में हारे हड़दी काटी में, रतन का पले मचायो भारी रे, हड़दी काटी में। आप तालियां चले गए थे लेकिन जिस गीत की मैं कह रहा हूँ बढ़िया लग रही है, जिस गीत को मैंने लिखा है बड़े आदर के साथ मैंने महाराणा प्रताप को समर्पित की गीत लिखा है। आप जानते हैं पाथलों की बात, आप जानते हैं पाथल महाराणा प्रताप का नाम है और मैं उसी से इस गीत की शुरुआत करता हूँ। कि पाथल राखी जी अरे मेवाड़ धरा की आन, अरे राखी रजपूती शान राखी मायड़ी शान, अरे केसरिया पगड़ी नाही झुकी रे पाथल राखी जी मेवाड़ धरा की आन, राखी रजपूती शान राखी मेवाड़ी शान, केसरिया पगड़ी नाही झुकी कि छोड़ दिया मेवाड़ धरा राजमहल का खाट, अजियाड़ावल के मंगरा महाराणा जब देखा पाट, अकबर डरियो रे अररे अकबर डरियो रे राणा सो आप आप जाने सिर हाणे सांप, निजरिया राणा पे जाई टिकी कि धन्य धन्य में बाड़ी वो राणा एक लिंगरा दीवान, आड़ावल में फिरा भटकता रखो धरा को मान, रानी राजकुंवर भी अररर रानी राजकुंवर भी महाराणा रे संग चढ़ो जद मर धरा को रंग, संकट की बदली नहीं रुकी। जब पूरा परिवार साथ में हो साहब तो कौन सा संकट सामने आ सकता है। कि हिंदवा सूरज चेतक माथे भालो हाता माय, हिंदवा सूरज चेतक माथे भालो हाता माय,
चेत करो असवार जूझियो हल्दी खाती माए चेतक मचलियो रे अर अर चेतक मचलियो रे रण माही बन तूफान रख स्वामी भक्ति रो मान बजती गुरनाड़ा नाहीर धीरे पातल राखी रे मेवाड़ धरा की आन राखी मेवाड़ी शान अरे केसरिया पगड़ी नाही झुकी। अभी बात हो रही थी साहब तीरों तलवार की बड़गी प्रलय मुगल सेना पर मेवाड़ी तलवार अरे कुंडली खिमता झेल सके जो महाराणा का वार चमकी रण माही रे उन दिन के सरिया पागे अर अर चमकी रण माही उन दिन के सरिया पागे रण बाका रण भाग रग तारी हो लगाही धीरे पाथल राखी जी। लेकिन एक मोड़ आया साहब कि घायल चेतक घायल राणा संकट में मेवाड़ तू झाला मन्ना घने मानसु धर्यो मुकुट मेवाड़ दुश्मन झपट्यो रे। कितना सुंदर होगा झाला मन्ना देखो कि मुगल सेना भ्रमित हो गई कि महाराणा प्रताप यही है। इतना सुंदर इतना रणबांका झाला मान पहले राणा ने नहीं दिया मुकुट नहीं दूंगा तो झाला मान ने कहा कि इसका मतलब आप मुझे अपने बराबर का भाई नहीं मानते हो। तो प्रताप ने कहा तेरे इतनी बड़ी बात कह दी तो ये मुकुट तेरे सिर पे लेता हूं कि घायल चेतक घायल राणा संकट में मेवाड़ तू झाला मन्ना घने मानसु धर्यो मुकुट मेवाड़ दुश्मन झपट्यो रे मन्ना पे राणो जान लड़ियो मन्ना कर पाण सांसा जद ताई नाही रुकी रे पाता। ये तालियां देखो अभी पूरे हिंदुस्तान में जाएगी। हाँ ये रेल मंगरा की तालियां है ना पूरे हिंदुस्तान में जाएगी साहब। अगला मोड़ देखिए आप कि तीन पगानाड़ा मेरे कूदियो चेतक पूरे पाण तीन पगानाड़ा ने कूदियो चेतक पूरे पाण प्राण बचाया महाराणा का खुद तज धीना प्राण उमड़ियो शक्ति सिंह में महाराणा सुप्रेम नेह निभावण नेम अरे तलवार रही झुकी रे झुकी रे। वो मेवाड़ है दोनों तलवारें आमने सामने हो गई लेकिन फिर भी जहां भाई का प्रश्न आया तलवारें दोनों झुक गई थी कि उमड़ियो शक्ति सिंह में महाराणा सुप्रेम नेह निभावण नेम अरे तलवार रेगी झुकी रे झुकी ये लगायो शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप। मैं इस समय साथ मेरे इस जिले के प्रथम संस्था प्रधान आदरणीय पर्वत सिंह साहब बदारा को नमन करता हूं साहब जिन मेरी पहली नौकरी मैंने जिनके सानिध्य में ज्वाइन की आज तो मैं प्रिंसिपल के पद पर चला गया हूं लेकिन आपको प्रणाम करता हूं मेरे सामने आप विराजे। मैं चाहूंगा साहब आपका आदेश मेरे लिए अध्यादेश था। हाँ साहब ये मैं नहीं भूल सकता साहब मैं कहना चाहूंगा साहब कि तीन पगानाड़ा ने कूदियो चेतक पूरे पाण प्राण बचाया महाराणा का खुद तज धीना प्राण उमड़ियो शक्ति सिंह में महाराणा सुहेत पकड़िया पगराणा राचेत असुवन की धारा नाही रुकी रे पातल राज। मुझे कहते यार तू जाट होगी इतना बढ़िया गीत कैसे लिखता है। मैंने कहा देसी घी खाते हैं अब देसी घी खाएगा तो देखो आप मिठास तो आएगी आएगी माँ शारदे का आशीर्वाद है और आप जैसे लोगों का आशीर्वाद है तो ऐसे गीत अपने आप निकल ही पड़ते हैं। प्रताप का आशीर्वाद है माँ शारदे का आशीर्वाद है इस धरती का मेरे पर कर्ज है तो मैं सोचता हूँ कि कुछ गीत अगर मैं लिख पाऊंगा तो मैं निश्चित रूप से थोड़ा थोड़ा कर्ज उतारने की कोशिश करता हूँ। कि उमड़ियो शक्ति सिंह में महाराणा सुहेत पकड़िया पगराणा राचेत असुवन की धारा नाही रुकी जो चार पंक्तियों के गीत लिखा साहब आदरणीय गोगा मेडी साहब को समर्पित करता हूं। कि हिंदवा सूरज महाराणा ने नमन करे संसार हिंदवा सूरज महाराणा ने नमन करे संसार अणि धूली को तिलक लगावे सब झगरा नर नार। इस मेवाड़ के लिए और कोई बढ़िया पंक्तियां मेरे लिए हो नहीं सकती साहब जोरदार तालियां बजाए कम से कम मेवाड़ धारा के लिए। कि हिंदवा सूरज महाराणा ने नमन करे संसार
अणि भूली को तिलक लगावे सब जग रानर नार सुमिरन करता ही अरे झुक जावे चरणा शीस में बाड़ी रजधर शीस सासा र जावे रुकी रे रुकी रे पाथल राखी जी में बाड़ धरा की आन राखी मायड़ी शान राखी रज पूती शान अरे खिसरिया पगड़ी नानी जो की धन्यवाद जय 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 ज